नमस्कार दोस्तों, मैं नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे फिल ऑप्शन के बारे में। दोस्तों, तो मैं एक पिछली वीडियो में फिल के बारे में आपको बताया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम सीखते हैं सीरीज। तो चलिए सीरीज का हम लोग सीख लेते हैं। मैं यहाँ पर कुछ जूम कर दिया हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा वन और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ तक, ठीक है। और जाता हूँ फील्ड में और सीरीज में जाता हूँ। सबसे पहले दो ऑप्शन देखिए, एक कॉलम एक रो। अगर आप कॉलम में सेलेक्ट की तो दोस्तों, आप कॉलम में अगर आप सेलेक्ट किए तो एक ऑटोमेटिक कॉलम में आ जाएगा, और रो में किए हैं सेलेक्ट, ये ऑटोमेटिक रो में आएगा। ऊपर में लाइनर ऑप्शन है, इसको देखते हैं। अब मैंने क्या किया, वन लिखा है इतना उसको सिलेक्ट किया और कॉलम ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है, और मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो देखिए क्या होता है। जहां तक मैं सिलेक्ट किया वहां तक ये काउंट किया, मतलब गिनती लिख दिया। फिर मैं कंट्रोल जेड करता हूं, फिर जाता हूं सीरीज में। अब मैं यहां पर लिख देता हूं 5, यानी कि स्टेप वैल्यू 1 और स्टॉप वैल्यू 5। अभी जाएगा 5 तक ये आपको रुक जाएगा। एरिया बहुत ज़्यादा है लेकिन 5 तक रुक जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इधर सेलेक्ट करते हैं और ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही आपको सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ओके करते हैं, ये जितना सेलेक्ट किया उतना के काउंट कर दिया। उसी प्रकार से फिर हम इसे सेलेक्ट करते हैं, फिर जाते हैं सीरीज में और यहाँ पर मैं 7 डाल देते हैं, तो 7 तक जाके ये रुक जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग इस तरह से डाउन में सेलेक्ट करते हैं और फिर हम लोग जाएंगे, इसको भी समझ लेते हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पर 1 दिए और यहाँ पर 4 दिए। अगर मैं इस सब को मैं डिवाइड करना, बराबर बराबर बांटना होगा, तो इतना को सेलेक्ट करेंगे और फिर जाएंगे सीरीज में और इस ऑप्शन को टिक कर देंगे, और जैसे ओके करेंगे देखिए बराबर में बांट दिया। उसी प्रकार से माने कि यहाँ पर आप जैसे मान के 25 लिख दिए और यहाँ पे 100 लिख दीजिए, तो देखिए कैसे करता है सर। अभी ओके इस पर क्लिक करके ओके क्लिक, देखिए बराबर में आपको बांट दिया। तो ऐसा भी काम कभी कभी आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग को समझते हैं। जैसे वहाँ पर 1 लिखा, सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट किया। अब आते हैं यहाँ पर ग्रोथ, ये क्या करता है। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर 1 है, सिर्फ 1 रखे हुए हैं, और जैसे मैं ओके करेंगे सिर्फ 1 कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम फिर जाते हैं सीरीज में, अगर हम इसको 2 कर देते हैं तो क्या करता है कि आपको मल्टीप्लाई कर देगा, गुना कर देगा। देखिए ये आपको क्या किया, गुना कर दिया। फिर से हम लोग उसको देखते हैं, यहाँ ग्रोथ पर आपको टिक होना चाहिए, ग्रोथ पर। अब उसके बाद यहाँ पर 2 लिखिए, उसके बाद ये गुना कर देगा, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे आप चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं। बहुत अच्छा है, जितना इसको सिलेक्ट कीजिएगा, माने नीचे तक हम इसे सिलेक्ट कर रहे हैं, इतना सिलेक्ट कर लिए हम सीरीज में जाएंगे, ग्रो में जाएंगे, ग्रोथ में जाएंगे, यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। आप देखते जाइए इस तरह से काम करते जाइए, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट ये है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम आपको, अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन है सब आपको मैं बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डेट का, तो मैं यहाँ पर एक डेट लिखूँगा। मैं लिखा 9/05/2020। मैं यहाँ पर एक डेट लिखा और मैं जाता हूँ फील्ड में और फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अभी मतलब डेट लिखकर सिर्फ डे पर मुझे सिलेक्ट है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करता हूँ, यहाँ से इसको ड्रैग कर देता हूँ, डेट लिखकर इसको इतना सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इस तरह से।
और इसको मैं जाता हूँ डे है, ओके पर क्लिक करता हूँ। देखिए डेट आपको लिख दिया 9-10, इस तरह से आपको लिख दिया, यानी कि आज तारीख 9 है तो कल 10-11 इस तरह से होगा। उसी के नीचे नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है, वीक डे। वीक डे का मतलब क्या होता है, ये हम ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए 9 के बाद 10 हटा दिया, आप 12 आ गया, 13 आ गया, तो 10 का है हटा दिया। वीक डे का मतलब क्या होता है, हॉलीडे होता है, छुट्टी का दिन होता है, छुट्टी का दिन। हम यहाँ पर डेट निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि डेट एंड टाइम। तो देखिए 10 का यहाँ पर देखिए संडे का दिन था, इसलिए छुट्टी का दिन था। जिस दिन छुट्टी रहेगा आपको, उस दिन यहाँ पर आपको हटा देगा, ठीक है। इसको मैं और लंबा, अगर हम लंबा इसको हम खींचते हैं, देखिए पूरा यहाँ पर इतना सेलेक्ट कर लिए और जाते हैं सीरीज में, फिर यहाँ पर वीक डे और ओके पर क्लिक करते हैं। तो देखिए 11-12 कहाँ तक गया, 18-19-20-21-26-27-28-29-30 के बाद देखिए 30 यहाँ पर इसे ख़त्म। इस तरह से आप देख लीजिए जो दिन संडे का दिन होगा वो आपको हटा देगा, उस दिन आपको हटा देगा, इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, अब आते हैं मंथ, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए आपको सिर्फ मंथ बताया, जैसे आज पाँच मंथ है तो 6-7 सिर्फ मंथ आपको बताया, टोटल मंथ। उसी प्रकार से आपको ईयर, यहाँ पर आपको ईयर है और ओके पर क्लिक कर देंगे तो सिर्फ आपको ईयर बताएगा, 2021-2022-2023 ऐसे करके आपको बताएगा। तो आई होप अगर दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा लगा तो आपको उसको लाइक कर दिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।